आज एक वैसे तो बहुत दुखद घटना हुई है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साल की सबसे बुरी चीज़ अगर कोरोना वायरस के बाद कुछ हो सकती थी तो दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टरों में से एक, सबसे अच्छे इंसानों में से एक बहुत ही मतलब एक ऐसा आदमी हम लोगों ने खो दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आदमी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं था। जब भी पिक्चरें देखो तो ऐसा फील होता था कि कुछ रिलेटेबल है, कुछ अपनापन था। जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, इन लोगों को देख के एकदम रिलेटेबल सी फीलिंग आती है। इनमें से किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता तो शायद सेम फीलिंग आती कि कौन छोड़ के चला गया, एक कितना बड़ा लीजेंड हमें छोड़ के चला गया। दुख की बात है, बुरा लगने की बात है, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि इसको मूव ऑन करना ही है। और आज का टॉपिक जो रिसेंट मैं टीवी देख रहा हूँ बहस चल रही है, मैं बहस छोड़ के आया हूँ कि इस मुद्दे पे मुझे कुछ शेयर करना, कुछ बात करनी है। और मैं चाहता हूँ ये मैसेज जेएनयू वालों तक अगर कोई पहुँचा पाए, उस माइंडसेट का आदमी देख रहा हो तो दूर दूर तक पहुँचाना। और कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि उस हर मानसिकता वाले आदमी तक पहुँचे जिसको लगता है कि जेएनयू में रामायण पढ़ा देने से एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट होगा। क्योंकि मैं जब डिबेट देख रहा हूँ तो मुझे नीचे सिर्फ यही सबके मुँह से सुनने को मिल रहा है जो अपोजिशन से आए हैं कि आप क्यों कॉम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रामायण पढ़ा के, रामायण के ऊपर लेक्चर दे के। उन जाहिलों ने लगता है एक बार भी पोस्टर तक नहीं पढ़ा। आपको मैं दिखा देता हूँ, साइड में दिख जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लीडरशिप लेसन फ्रॉम रामायण। और क्या डेट है, क्या तारीख है, क्या टाइमिंग है, जूम ऐप के थ्रू होगी, सबको पता है, वेबिनार है एक तरीके। तो अगर राम से लीडरशिप क्वालिटी अगर कोई सिखा सकता है, कोई कुछ सीख सकता है, कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है इस माहौल को देखते हुए, तो लोगों को उसमें भी आपत्ति है। अब आपत्ति के कई कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक कि जेएनयू एक ऐसा गढ़ बन चुका था लोगों के लिए कि वहाँ पे देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार किया जाता था। मानसिकता वैसी बनाई जाती थी कि आपको कुछ भी करके CPI CPIM वाली मार्क्सिस्ट सोच रखनी है, और आपको एंटी इंडिया नारे लगाने के लिए डिस्कशन होते होंगे कि कैसे देश विरुद्ध हर कुछ भी देश के पक्ष में हो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे हनुमान जी के बारे में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, शायद बुक्स में है या क्या है, कि हनुमान जी लड़कियाँ छेड़ते थे, जगह जगह पे पहुँच जाते थे अपना आकार बदल के और लड़कियाँ छेड़ते थे, ये सब सिखाया जाता है राम के बारे में, कृष्ण के बारे में। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कोई अगर देख रहा हो उस जगह से, कोई अगर देख रहा हो जो इस चीज़ को कन्फर्म कर सकता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर राम से लीडरशिप कोई ना सीखे तो किससे सीखे? आप लोग को इसमें भी प्रॉब्लम है। एक ने कहा कि मोहम्मद साहब को पढ़ाओ, अच्छा उसी आदमी ने ये चीज़ कही जिस आदमी ने ये कहा कि राम के बारे में पढ़ा के आप सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं यार क्या सांप्रदायिक माहौल क्रिएट हो रहा है, कोई अगर लीडरशिप क्वालिटी सीख रहा है तो। मुझे कोई कमेंट बताया कि राम जी से कोई लीडरशिप क्वालिटी सीख के क्या सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर लेगा? क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम के नाम पर चीज़ें सिखा सिखा के बड़े बड़े संगठन ऐसे बने हुए हैं कि वो जरूर सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और किसी ने राम जी से कुछ सीख के आज तक एक बंदूक तक नहीं उठाई है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा रही है, एक ऐसे इंसान से कुछ सीखने को कहा जा रहा है जिसका एक भरा पूरा इतिहास है। कोई ये नहीं कह रहा कि सीखने के बाद तुम हिंदू हो गए हो या हिंदू हो जाओगे या हिंदू बनने की तरफ कदम उठा दोगे, नहीं, सिर्फ तुम भारतीय बन जाओ वही काफ़ी है। लेकिन खैर लोगों को अपना एजेंडा चलाना है, और ये जो मीडिया वाले हैं ना, इन पर सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आती है। किसी ने विरोध किया भी, आप टीवी पे उसको बहुत भाव मत दो ना, फुटेज मत दो उसको, आप फुटेज देते हैं, आप उसको चढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, एकदम पीक तक ले जाते हैं जिसकी झाड़। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं, कंट्रोल। जिसकी सुई की नोक बराबर वैल्यू नहीं है जिसके विरोध की, उनके विरोध को आप चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं। अब जब वो झाड़ पर चढ़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर जब वैल्यू बढ़ गई तो हो सकता है कि वेबिनार को टालने की पूरी कोशिश की जाए, जबकि इसमें टालने ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, क्या कभी किसी ने ये मुद्दा उठाया कि हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो सांप्रदायिक हो गया, या उसमें हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बंद करा देने चाहिए, फिर उस हिसाब से जामिया मिलिया इस्लामिया बंद हो जाना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। सांप्रदायिकता तो उनके नाम में झलक रही है, इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है बंद कर दो, भारत की धरती पे मजहब के नाम पे स्कूल क्यों चल रहे हैं? अब आप सोचो कि बीएचयू को भी बंद करा दो क्योंकि तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है,
अब लोगों को पता ही नहीं कि हिंदू रिलीजन, अगर कुछ लोगों को पता भी है, लोग सवाल भी करते रहते हैं अपनी स्मार्टनेस में कि बताओ हिंदू धर्म है कि क्या है। हिंदू कोई मज़हब नहीं है, पहली चीज सबको पता होगा। हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति से लेके कीड़े तक वो हिंदू ही है, उसकी सिटीजन होने की आइडेंटिटी होगी, समझ सकते हैं। जैसे चाइना में चाइनीज, उस टाइप का कह सकते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू। तो आपत्ति तो हर तरफ से उतनी उड़नी चाहिए। दूसरी चीज़ है, तो भी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ।